तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 23 फरवरी यानी आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि फोर शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं ऐड हुआ है, तो फोर शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट वाज इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड, जो कि एक आपका आया था, तो आपका डोमार मॉडल, हरोड डोमार मॉडल जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड, तो आपका 1930 में जो कि आपका हुआ था फर्स्ट बार कॉमनवेल्थ गेम, तो आपका 1913 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स को छोड़ देना, वो आप लोग पीडीएफ से रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्लान वॉज डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, तो आपका सत्या नडेला जो कि राइट आंसर हो जाएगा, आपका सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच रिलीजन डिड अशोका एडॉप्ट, तो आपका बुद्धिस्ट जो कि रिलीजन है, तो आपका अडॉप्ट किए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम, तो आपका छत्तीसगढ़ स्टेट जो कि लागू किया था, तो आपका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर डिड भीमसेन जोशी रिसीव भारत रत्न, तो 2008 में जो कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज प्रेसिडेंट इज आनंद महेश्वरी, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो कि प्रेसिडेंट है आपका आनंद महेश्वरी, तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो आपका कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी जो कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपका चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो आपका दिल्ली जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर लें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की, तो बिहार इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, वाइल दिल्ली इज़ द मोस्ट इंडियन टेरिटरीज। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर द सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कराची सेशन, तो आपका कराची जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन हाउ मेनी फेजेज वाज 2011 सेंसस कंडक्टेड, तो आपका 2 फेजेज में जो कि कंडक्ट हुआ था, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला, तो कथकली जो कि आपका है क्लासिकल डांस, तो ऑप्शन में भी कथकली दिया गया होगा, तो आपका कथकली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ वैन ट्रैक्टर स्टंट इन पंजाब, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो भगवंत मान है वो बैन किए थे, तो आपका राइट आंसर भगवंत मान हो जाएगा। तो चलिए ये रहा जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में इतने क्वेश्चन जो कि GK JS के अभी तक मिल पाए, और मिलेंगे तो PDF में शामिल करके आपको PDF जो कि भेज दिया जाएगा। अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 23 फरवरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फ्लोइंग इज या वाज अ फेमस तबला प्लेयर, तो तबला प्लेयर पूछा गया था, तो इसका तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खरेसी ऑल्सो एज अल्लाह रखा वाज एन इंडियन तबला प्लेयर हु स्पेशलाइज इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। और बात कर ले त्रिपुंथीरा नारायण कृष्णा वाज अ इंडियन कार्नेटिक म्यूजिक वायलिस्ट, पंडित भीमसेन जोशी वाज अ फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शेफाली वर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, देज वेर इंक्लूडेड इन पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन रिकमेंडेशन
ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आपका रशिया जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ सुल्तान जोहर कप 2023। तो मलेशिया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड द सुप्रीम कोर्ट बीन गिवन द स्टेटस ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आपका आर्टिकल 129 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन मेड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच स्टेट इज रन उत्सव सेलिब्रेटेड। तो रन उत्सव पूछा गया था, तो आपका गुजरात जो कि राइट आंसर हो जाएगा। रन फेस्टिवल जो कि गुजरात में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 10% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो 75% जो कि डिपेंडेंट था आपका एग्रीकल्चर पर, तो 75% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज द 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो DY चंद्रचूड़ जो कि आपका थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक आपका आया था कि वेन डिड द फर्स्ट एंग्लो बर्मेस वार टेक प्लेस। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मेस वार पूछा गया था, तो आपका द फर्स्ट वार विथ बर्मा वॉज फाउट वेन बर्मेस वेस्ट वार्ड एक्सपेंशन एंड इनिशिएशन ऑफ अरेकन एंड मणिपुर एंड द थ्रेट टू द असम एंड ब्रह्मपुत्र वैली लेड टू कंटिन्यूड फ्रिक्शन अलोंग द अनडिफाइंड बॉर्डर बिटवीन बंगाल एंड बर्मा इन द अर्ली डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्सेज कैप्चर रंगोन इन मई 1824 एंड एडवांस विथ 72 किलोमीटर ऑफ कैपिटल इन एरा पीस वॉज इस्टेब्लिश विच ट्रीटी ऑफ यंदावो इन 1826। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्रिप्स मिशन कम इन इंडिया इन डेज। तो क्रिप्स मिशन कम इन इंडिया इन 1942, तो आपका 1942 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि व्हाट वाज द टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान। तो ग्रोथ रेट पूछा गया था, तो आपका 8% जो कि था, तो आपका राइट आंसर 8% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु हैज रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर स्ट्रिंग पपेट्री। तो आपका इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल फोक ट्राइबल म्यूजिक डांस थिएटर एंड द पपेट्री 10 आर्टिस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द एकेडमी अवार्ड 2018। तो कौन कौन से थे, तो चलिए देख लेते हैं। डेज इंक्लूड्स फोक म्यूजिक, उत्तर प्रदेश से आपका मलिनी अवस्थी थे, फोक डांस चलिए फोक म्यूजिक से आपका करथाल राजस्थान से गाजी खान बर्नर थे, फोक सॉन्ग से उत्तराखंड से आपका नरेंद्र सिंह नेगी थे, फोक थिएटर बोले तो बांड पथेर से जम्मू एंड कश्मीर से आपका मोहम्मद सादिक भगत थे, हरी कथा से आपका आंध्र प्रदेश से कोटा सचिन नंदा शास्त्री थे, वहीं बात कर ले फोक डांस से एक और आपका मध्य प्रदेश से अरुण सिंह धुर्मे थे, फोक म्यूजिक से हिमाचल प्रदेश से आपका सोमानाथ बाटू थे, पुपेट यानी स्ट्रिंग कर्नाटक से आपका अनुपमा होसाकरे थे, मेकिंग मार्क्स यानी असम से आपका हेमचंद गोस्वामी जो कि इन्वॉल्व थे। तो ये सब में से जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डेंसिटी। तो भिद्रत आपका जो कि भिद्रत मौर्य जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लास्ट रूलर था आपका मौर्य डेंसिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी प्रियोरिटीज वेयर सेट इन द 2023-24 बजट। तो 7 आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका डोलू कुनीता डांस इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। तो डोलू कुनीता डांस की बात करें, तो आपका बिलोंग्स टू कर्नाटका, तो कर्नाटका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डिकेडल
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो मेघालय जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये रहा आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। जो अब चलिए बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को, जो कि आपका आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 23-24 डील्स विद डैश, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका साइको मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट पूछा गया था, तो वेट लिफ्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु होस्टेड द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो आपका इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तीनों जो कि मेजबानी किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डायमेंशन, तो मीटर आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एसआई यूनिट होता है आपका डायमेंशन का। एक और पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हेन वाज द बैटल ऑफ कनौज फाउट बिटवीन शेर शाह सूर्य एंड हुमायूं, जो कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, तो आपका 1540 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1540 एडी में जो कि लड़ा गया था। एक्स ऑफ एक्स को छोड़ दे रहे हैं, आप लोग पीडीएफ लेकर रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल हैज नीरज चोपड़ा वन इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो गोल्ड आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल जीते थे। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लिविंग वेज ऑफ वर्कर्स, जो कि आपका रिलेटेड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन परसेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो आपका 48% जो कि आपका फीमेल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेल की बात कर ले तो आपका 52% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज ग्रांटेड इन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका 25-28 में जो कि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेयर इज कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, तो आपका कुंडनकुलम की बात कर ले तो कुंडनकुलम में तमिलनाडु में जो कि स्थित है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साउथ इंडियन डांस स्टाइल, यानी केरला का पूछा होगा या साउथ इंडियन का पूछा होगा, तो मोहिनीअट्टम एंड कथकली, जो कि दोनों ऑप्शन में दिया गया था, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया वॉज फ्लोइंग अ रूल, तो क्वांटिटेटिव रजिस्ट्रेशन ऑन इम्पोर्ट जो कि एक रूल बनाया गया था, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका वेन हैज जन औषधि ट्रेन स्टार्टेड, तो जन औषधि ट्रेन कब स्टार्ट किया गया था, तो आपका 4 मार्च 2023 में स्टार्ट किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि इंडियन फाइनेंशियल ईयर बिगिंस, इंडियन फाइनेंशियल ईयर का आपका शुरुआत कब से होता है, तो 1 अप्रैल से, हर साल 1 अप्रैल से होता है, तो आपका 1 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो और फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन मिलता है तो हम उसका आपका पीडीएफ में शामिल कर देंगे फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो तब तक चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।